पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय में प्रदूषण पर आपात बैठक जारी है, यह सूत्र बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक आपात बैठक बुलाई है, पॉल्यूशन को लेकर तैयार की जा रही रणनीति, ये कह रहे हैं सूत्र। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई और इस मामले में आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी। अदालत के सामने दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने पर सहमति भी जताई। दिल्ली की बिगड़ी हुई आबोहवा पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये जानकारी दी है कि सरकार इससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने अदालत से ये भी अपील की है कि यह लॉकडाउन NCR सहित उन इलाकों में भी लगाया जाए जहां से प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और जरूरी कदम उठाने के लिए आपात बैठक पर रिपोर्ट देने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं तो लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि लॉकडाउन का सीमित प्रभाव होगा, लिहाजा उन राज्यों को भी शामिल किया जाए जिससे दिल्ली की सीमा लगती है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में दिल्ली सरकार के लॉकडाउन लगाने के इरादे का समर्थन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पराली को पूरी तरह से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं माना और कहा कि इससे सिर्फ 10% प्रदूषण हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में 76% प्रदूषण धूल, परिवहन और इंडस्ट्री की वजह से है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का हलफनामा किसानों को बदनाम करने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।